आपने भी कोई किताब पढ़ी है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बीकॉम कर चुका हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। आज से 10 साल पहले मुताले का रुझान नौजवानों में किस कदर था और आज किस कदर है? वजह क्या है कि इतनी हाई लेवल की किताबें कम कीमत में क्यों फरोख्त करते हैं? आपसे मिले हुए 10 मिनट हुए, आपने 2 बार चाय का जिक्र किया। क्या मुताले के साथ चाय का नहीं चाय से हमारा जोड़? नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान किताबों से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हम नशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूं दादुल्ला खान और आप देख रहे हैं आईयू के सर्कल। तो मैं मौजूद हूं रिगल चौक सदर कराची में, कि जहां पर आपको फुटपाथ पर किताबें बिकती हुई देखने को मिलती हैं। ये किस तरह की किताबें यहां पर बेची जाती हैं? इन किताबों को कहां से ख़रीदा जाता है और किस कीमत में ये बेची जाती हैं, और लोग किस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ किताबें बेचने वाले अफराद से। कितने अरसे से यहाँ पर किताबें फरोख्त कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन कोई 17-18 साल से। 17-18 साल से, तो आज से तकरीबन 10 साल पहले नौजवानों के पढ़ने का रुझान क्या था और आज क्या है? उस वक्त किताबें मतलब कि ज़्यादा ख़रीदी जाती थी या उसमें कोई कमी वाक़ हुई है? नहीं, बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। पहले यहाँ मतलब अच्छी किताबें बिकती थी, अब उसके मुकाबले में बहुत कम किताबें बिकती हैं। ये किताबें किस कीमत में ख़रीदी जाती है जो पुरानी किताबें हैं, और किस कीमत में फिर बेची जाती है? क्या तर्ज़ अमल होता है इसका? तर्ज़ अमल तो पुरानी किताबें तो आपको पता कि या तो लाइब्रेरियाँ जो ख़त्म हो जाती हैं उनके ज़रिए से आती हैं, या फिर लोग जो घर से रद्दी निकालते हैं उस ज़रिए से आकर फिर यहाँ जिन लोगों को पता है वो फिर अपने हिसाब से बेचते हैं। अच्छा सर, नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान किताबों से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? उनसे यही कहेंगे कि भाई मोबाइल को छोड़ दो और किताब पे आ जाओ। कितने अरसे से आप किताबें फरोख्त कर रहे हैं? कम से कम ये 8-9 साल होगा। मेरे उस्ताद को होगा मोहम्मद यूसुफ उस्ताद है, नाम मोहम्मद यूसुफ है, उनको कम से कम 30-35 साल होगा। क्या है कि इतनी हाई लेवल की किताबें कम कीमत में क्यों फरोख्त करते हैं? लोग आगे पढ़ें इसलिए देते हैं, आगे पढ़ेंगे तो अच्छा है उनके लिए। हम लोग इतनी सस्ती सस्ती किताबें देते हैं, इधर लाकी भी होती हैं, मदबी किताबें होती हैं, हर किस्म की किताबें हमारे पास मिलेंगी। अच्छा, किन दामों में इन किताबों को ख़रीदते हैं? हम अलग अलग किताबें लेके आते हैं, जैसे लोग पुराने जो बंदे होते हैं वो घरों में से मर जाते हैं, जो बंदे किताबें पढ़ के पुराने उनके घरों से उठाते हैं, हम लोग सौदा मारते हैं फिर यहाँ के बेचते हैं। हम कम इसलिए देते हैं, लोग पढ़ेंगे अच्छा है, हमारे लिए फ़ायदा है, लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा। 300-400 की किताब हमने 100 में लगाई हुई है, लाइट देखें आप, लाइट इतनी लगाई हुई हमने। एक दिलों को छूने वाला शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और यहाँ की जो तारीख है उसके बारे में हम उनसे जानेंगे। कितने अरसे से जो है यहाँ पर आते और किताबें ख़रीदते हैं? भाई मुझे मैं यहाँ पहले एक शॉप होती थी आगे, उसका नाम मैं भूल गया, पुरानी का था वो शॉप थी, पता नहीं ऑक्सफोर्ड नाम था या क्या था, ऐसे कुछ नाम था। तो मैं वहाँ से नई किताबें ख़रीदता था, और ये मैट्रिकुलेशन की बात होगी और शायद इससे भी पहले की, बड़ी महंगी महंगी होती थी। तो एक रोज़ मैंने देखा कि एक बंदा वहाँ ज़मीन पे भी कुछ किताबें लगाए हुए, ये कब की बात है, ये 70 की बात होगी, 69-70। बस जब से जो है वो हमें नहीं पता था कि यहाँ इस तरह से, फिर बाद में भाई पूछा हमने कब, इतवार को होता तमाशा, पहले तो बड़े यहाँ बड़े बाजौक लोग आते थे, वो बड़े पढ़े लिखे लोग आते थे, लेकिन आहिस्ता किताबों का रुझान कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, ये आ गया, तो अब लेकिन फिलहाल किताबें तब भी आती हैं और फैल भी गया है काफ़ी, ये इधर उधर भी चले गए लोग उस तरफ, तो उस ज़माने से भाई मैं आ रहा हूँ। फिर बीच में कहीं मैं चला गया 2-4 साल 3 साल तो गायब हो गया मैं, या फिर कहीं और में चला गया, तो बीच में जब मैं चला जाता था कहीं तो ही नहीं आता था, वरना हर इतवार को जो है हमारी जान इसमें फंसी होती है। अच्छा सर, किस किस्म की किताबें पढ़नी पसंद करते हैं आप? मैं यार असल में कुछ ढूंढने के लिए निकला था ना, जिस तरह कोई जगह ढूंढने के लिए निकलो या कोई, तो वो उसके लिए ये भी जानना पड़ता है, फिर पता चला कि नहीं यार इससे तो नहीं, ये भी जानना पड़ेगा। ये शोभा तो मेरा मेडिसिन का था, लेकिन मैं निकल गया तारीख़ से निकल गए जनाब, ज्योग्राफी से निकल गए जनाब, साइकोलॉजी में चले गए और उधर चले गए, फिजिक्स में चले गए, मतलब फिर ढूंढते अभी तक ढूंढ रहे हैं। अच्छा सर, आज से 10 साल पहले मुताले का रुझान नौजवानों में किस कदर था और आज
किस कदर है? हाँ, पीछे चूँकि नौजवान को बिजी रखने के लिए उस ज़माने में ये सब फालतू चीज़ें नहीं थी ना, मसलन मोबाइल फ़ोन नहीं था, और इसने तो काफ़ी लोगों को, अच्छे लोगों को भी बिगाड़ दिया। इसमें एडिक्शन है ना कुछ ना कुछ, ब्रेन को इससे मेरे जो कुछ एडिक्टिव हो जाता है, तो आदमी फिर ये होता है कि क्योंकि माशरे में भी वो नहीं है, ये यहाँ भी नहीं, इंटरनेशनली भी मैंने सारी दुनिया में देखा, कहीं यूरोप में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, और हर जगह देखा, यही लोग बच्चे लेके बैठे होते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो इसमें शायद कोई एडिक्शन का पहलू, ये तो अब नफ्सियात वाले बताएंगे, लेकिन अब कैपिटलिस्टिक सिस्टम में फिर दौलत को घुमाना होता ना, बेकार की चीज़ें ईजाद कर करके लोगों के साथ में मारते रहते हैं, तो पैसा घूम रहा होता है और एक जगह जमा हो रहा होता है, बाकी लोग वही भूखे जो मर रहे हैं वो भूखे मर ही रहे। आपसे मिले हुए 10 मिनट में आपने 2 बार चाय का जिक्र किया, क्या मुताले के साथ चाय का? नहीं नहीं, चाय से हमारा कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, सिर्फ हम वहाँ बैठने के लिए जाते हैं, वहाँ दरख्त है जी, उसके नीचे थोड़ी हवा हवा अच्छी चलती है। मेरे नज़दीक किताब का और चाय का बड़ा गहरा रिश्ता है। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कितने कभी कोई किताब पढ़ी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बीकॉम कर चुका हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, तो किताबें तो लेके जाता रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, जो समझ में आ रहे हैं वो लेके जाता हूँ। बीकॉम करने के बाद ये सिलसिला कैसे जारी रहा? देखिए पहले तो मैं स्टॉल लगाता था कपड़े का, इसके बाद जो है ना गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गया, इस फील्ड में इस वजह से आया, घर के हालात सही नहीं थे इस वजह। अच्छा, तो क्या इस फील्ड में आने के बाद मुताले का सिलसिला ख़त्म किया, वो जारी रहा? वो तो जारी रहा, ख़त्म तो नहीं हुआ। वो 5 साल पहले लोग ज़्यादा आते थे या अब ज़्यादा आ रहे हैं किताबें ख़रीदने के लिए? देखिए अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से लोग यूट्यूब वगैरह इसके अंदर जो है ना कहानियाँ वगैरह देखते रहते हैं, आजकल तो देखें बहुत कम लोग जो है ना मार्केट की तरफ जो है ना आ रहे हैं। तब आपके कहने का मतलब है कि किताबें ख़रीदने का जो सिलसिला है वो बहुत कम हो गया? बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, और जो है बहुत से यहाँ यानी सस्ता भी मिल रहा है। माशाल्लाह से बहुत तालीम याफ्ता हैं, खुद ग्रेजुएट हैं, तो लोगों को क्या पैगाम देंगे मुताले के हवाले से कि क्या करें मुताले के लिए? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि लोग पढ़ें लिखें और गवर्नमेंट जो है इनकी सपोर्ट करें, अगर गवर्नमेंट इनका सपोर्ट नहीं करेगा जैसे मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर यही हाल होगा हमारी मुल्क के नौजवानों का, हम तो यही कहेंगे। जैसे आपने देखा कि किताबों के पढ़ने में अच्छी खासी कमी वाकया हुई है और लोग बहुत कम अब किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, तो आइए आज के दिन हम अहद करें कि किताबों के मुताले को हम वक्त दें और मुताले को अपनी आदत बनाएं। और वो शायर के जिसने कहा था कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, ताकि उनका ये मिसरे सानी, उनका ये शेर गलत साबित हो।